अरे यार दोस्तों, ये शिंचन और मसाओ कहाँ रह गए? ए लो, मैं आ गया खजाना। शिंचन तू बहुत लेट है। खजाना, मैं शीरो को खाना खिला रहा था। लेकिन ये मसाओ अभी तक नहीं आया। अरे यार, ये मसाओ की वजह से हम खेल ही नहीं पा रहे। अरे मसाओ किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गया ना? चलो हम लोग उसको लेके आते हैं, शायद वो रस्ते में ही होगा। हाँ ठीक है, मसाओ के पास चलते हैं। ओके चलो दोस्तों। उन्नो, मैं तो बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, अभी नैनी मुझे बहुत मारेगी, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। और क्या हाल है तेरा टकले बच्चे? ई ग्रैनी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तुम लोगों से बदला लेने आई हूँ, और अब मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। तू तो गया। मम्मी बचाओ। दोस्तों मसाओ तो यहाँ पे भी नहीं है। खजामा वो क्या पड़ा है? लगता है 500 का नोट है। बुचैन, 500 का नोट नहीं है, वो कोई लेटर है। रुको दोस्तों, मैं चेक करता हूँ। इसमें क्या लिखा है खजामा? ओ नो, ये तो ग्रैनी का लेटर है, और उसने इसमें लिखा है कि उसने मसाओ को पकड़ लिया है, और अगर हमें मसाओ को बचाना है तो हमें उसके घर में वापस जाना पड़ेगा। खजामा, मसाओ के बदले हम ग्रैनी से फिरौती मांग लेते हैं। अबे ओए, ग्रैनी ने उसको किडनैप किया है, हमने उसको किडनैप नहीं किया, जो हम फिरौती मांगे। हमें ग्रैनी के घर जाना ही होगा। हाँ, मसाओ की जान खतरे में है। तो ठीक है, चलो हम मसाओ को बचाते हैं। दोस्तों, ये ग्रैनी का घर तो बहुत ज्यादा डरावना है, मैं नहीं अंदर जा रही। अरे नैनी, तुम टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ से पिछली बार भी भागे थे, और इस बार भी भागेंगे। चलो खजाना, घर के अंदर चलते हैं। चलो दोस्तों, जल्दी आगे बढ़ो। अरे हम अंदर आ तो गए, लेकिन आखिर ये मसाओ है तो है कहाँ? खजाना, मुझे लगता है मसाओ पक्का ऊपर ही होगा। अरे कोई तो हेल्प करो मेरी मम्मी। ये तो मसाओ की आवाज है। हाँ, और ये ऊपर से आ रही है। चलो दोस्तों, जल्दी से ऊपर चलते हैं। मसाओ, तुम ठीक तो हो? खजामा, तुम लोग आ गए। खजामा, ग्रैनी ने मुझे पकड़ के यहाँ पे बंद कर दिया था। अरे वो सब तो ठीक है मसाओ, लेकिन वो बुढ़ी ग्रैनी है कहाँ पे? दोस्तों वो तो बाहर है, और तुम लोग भी मेरे साथ यहाँ पे फंस चुके हो। क्या? अरे नहीं, ये लोग तो चले गए ऊपर वाले कमरे में। अब यहाँ से कभी भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं करने वाली हूँ स्लीपिंग गैस का इस्तेमाल। दोस्तों ये स्मेल किसकी है? अरे नहीं, ये तो स्लीपिंग गैस है। अरे मुझे तो नींद आ रही है। मुझे तो सपने भी आने लग गए। मैं तो गया। अरे दोस्तों सो मत सो मत। अरे यार मैं भी गया। कितनी ज्यादा अच्छी नींद आई। माँ, मेरे चोको चिप्स कहाँ है? अबे शिनचान, यहाँ पे कोई चोको चिप्स नहीं है। ये हम कहाँ पे आ गए? अरे ये ग्रैनी का ही घर है। दोस्तों ग्रैनी ने स्लीपिंग गैस का इस्तेमाल करके हमें यहाँ पे फंसा दिया था। इसका मतलब अभी हमें यहाँ से दोबारा से निकलना होगा। तो चलो हम लोग इस बार भी उसके कार लेके भाग जाते हैं। नहीं मसाओ, इस बार हम लोग ग्रैनी के इस घर के डोर से जाएंगे। क्यों शिनचान? क्योंकि मसाओ हम भी ग्रैनी को दिखा देंगे कि हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं तो यहाँ ग्रैनी के घर में पहली बार आई हूँ, तो मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ मेरे डंडे से। ग्रैनी आ गई। ग्रैनी, तुम हमें पकड़ भी नहीं पाओगी, हम तो है बहुत ज्यादा तेज। दोस्तों मुझे बर्ड सीड मिल चुका है, जल्दी से जाते हैं और उस कौए को खिलाते हैं, फिर उससे हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ ठीक है। अरे इसने तो हमें कॉगविल दिया है, ये तो किसी काम का नहीं। यहाँ पे रिमोट कंट्रोल पड़ा है, अगर हम उसका यूज करें तो हमें स्प्रे मिल सकती है, फिर हम उसे ग्रैनी को अंधी कर देंगे। मसाओ जल्दी से लेके आते हैं, मैं करूँगा ग्रैनी को अंधी। दोस्तों लेकिन क्या तुम्हें पता है हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? हाँ नैनी, इस ग्रैनी के घर में सारा सामान है, जिससे हम डोर को अनलॉक करके यहाँ से भाग सकते हैं। ओके खजामा, काश इस बार भी हमारे साथ डोरेमोन होता, फिर हम लोग एनीवेयर डोर यूज करके यहाँ से पहले भाग जाते। हाँ लेकिन मसाओ अभी हमें ऐसे ही भागना पड़ेगा, डोरेमोन हमारे पास नहीं है। अच्छा तो यहाँ पे हो तुम लोग, मैं तो कब से ढूंढ रही हूँ। ग्रैनी ढूंढ लिया ना, तो ये लो स्प्रे का स्वच्छ को। अरे अरे अंधी कर दिया रे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ तुझे कुछ दिखाई देगा भी नहीं बुढ़ी ग्रैनी, यहाँ पे तो प्ले हाउस की पड़ी है। ये ले ग्रैनी, थोड़ा और स्प्रे खा। अरे 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 बस करो, कितना जुल्म करोगे एक बुढ़ी पे। जुल्म तो तुम करती हो हम जैसे बच्चों को पकड़ के। अरे दोस्तों यहाँ पे शॉटगन का पार्ट पड़ा है, चलो जल्दी से शॉटगन बनाते हैं।
और फिर उसे हम ग्रैनी की खोपड़ी उड़ा देंगे। शिनचैन बिल्कुल सही बोला, आज तो मैं इस ग्रैनी को छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे किडनैप करने की हिम्मत कैसे की। अबे मसाओ, जब वो तुझे किडनैप कर रही तो तुझे भी कुछ करना चाहिए था ना। तेरी खजाना, उसने इसके टकले पे डंडा मार के इसको बेहोश कर दिया होगा। शिनचैन तुमने बिल्कुल सही बोला। दोस्तों मुझे वेपन की मिल गई, अब हमें शॉटगन बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये मतलब अब हमें ग्रैनी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब वो हमारे पास आएगी हम उसको इस वेपन से मार देंगे। नानी वो इससे मरेगी तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े देर के लिए वो सो जरूर जाएगी। सप्रे तो हो गई खत्म, अब क्या करोगे? ये करेंगे। अरे रे रे, मुझे तो सुला दिया रे, धक्का तो मत मारो इस बुढ़िया को। ग्रैनी अब तुम उठना मत, ठीक है, 5-6 घंटे के लिए ऐसे ही सोती रहो। चलो ग्रैनी का काम तमाम तो हो गया, अब जल्दी से यहाँ से स्क्रू ड्राइवर को नीचे गिराते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर हमें कुछ अच्छी चीज जरूर देगा, जल्दी से चलो इसका यूज करते हैं। वैसे लगेगा कहाँ पे? नानी ये यहाँ पे लगेगा, ये देखो। ओके चलो मैं इसको जल्दी से खोल देती हूँ। ये खोला और ये मुझे मिल गई पैडलॉक की। दोस्तों ये डोर पे लगेगी, चलो चलो जल्दी से इसका यूज करते हैं डोर पे जाके। वैसे तो ग्रैनी सो रही है, सो अभी हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, पूरे घर में खुले हम घूम सकते हैं। फिर भी हमें क्रॉसबो उठा लेना चाहिए, क्योंकि ग्रैनी का कुछ नहीं पता कि वो कब आ जाए। अरे मसाओ, क्रॉसबो का यूज अभी कहीं और पे भी होगा। एरी खजाना, चलो चलो ग्रैनी को दोबारा मार के आती है। अरे नहीं शिनचैन, अभी हमें काम करना है, ग्रैनी को बाद में मारेंगे। यहाँ पे तो निशाना मैं लगाऊंगा, ये मारा मैंने। वाह वाह शिनचैन, तेरा निशाना तो बहुत ही ज्यादा पक्का है। दोस्तों फाइनली हमें हैमर मिल चुकी है, इसका तो बहुत ज्यादा यूज करना है। हाँ मसाओ, लेकिन अभी जल्दी से क्रॉसबो भी उठा के लाते हैं, वरना ग्रैनी का कोई भरोसा नहीं कि कब आ जाए। चलो हाँ बिल्कुल सही बोला है बोचा ने, जल्दी से क्रॉसबो उठाओ यहाँ से और चलते हैं फिर ऊपर। अरे ये सुई उठ क्यों नहीं रही? अरे उठ गई तेरी सुई, चलो अभी हैमर को उठाओ और जल्दी से उन प्लैंक्स को तोड़ो। दोस्तों ये प्लैंक्स को तोड़ने के बाद हम वो डोर वाले प्लैंक्स भी तोड़ेंगे और उसके बाद ऊपर वाले प्लैंक्स भी तोड़ेंगे। हाँ पोचा, चलो फिर चलते हैं जल्दी से ऊपर की ओर। ये डोर पे तो एक दो ही प्लैंक्स लगी है ना। हाँ मसाओ ये देखो, इसको जल्दी से तोड़ दो। तोड़ दिया मैंने, अब चलते हैं ऊपर। ऊपर भी थोड़े से प्लैंक्स होंगे जिनको हमें तोड़ना ही है हैमर से। वैसे ग्रैनी कहाँ गायब हो गई, मुझे तो दिखी नहीं रही। लगता है ग्रैनी मुझसे डर गई है। शिनचैन वो तुमसे डरने वालों में से नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और अगर हम आज यहाँ से भागने में कामयाब भी रहे तो वो फिर आएगी हमसे बदला लेने के लिए। बदला तो मैं अब लूंगी। ग्रैनी आ गई। अरे नहीं अब क्या करें? अब तो तुम गए। जय ग्रैनी टंडे वाली। ग्रैनी ने तो दूर डाला। ग्रैनी ने तो हमारा सर ही फोड़ दिया। अरे मेरे सर में तो आलू उग चुका है। मेरे भी। यार तुम लोग की वजह से मेरे को आज मार पड़ गई। नैनी अब हमें ग्रैनी से बदला लेना होगा। हाँ मिस मोटी ग्रैनी को छोड़ूंगा नहीं, अब तुझे मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी। चल चल शिनचैन, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जल्दी से हमारा क्रॉसबो लेके आते हैं और इसके बैंड बजाते हैं। अब तो इस ग्रैनी डंडे वाले को ऐसा मारूंगा किसने सोची ना होगी। ओए ग्रैनी, तेरे सस्ता डंडा लेके मेरे सामने आ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओए कहाँ है तू, नूबड़ी ग्रैनी हमारे सामने आ। अरे कौन भौंक रहा है बुड़बक? ये लो। अरे 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 मार डाला रे। ओए आई हो गया हमारा बदला पूरा, चलो खजाना अब हम यहाँ से भागते हैं। हाँ शिनचैन तुमने बिल्कुल सही बोला, चलो दोस्तों ऊपर कार की भी पड़ी है और अभी हमें प्लैंक्स लेके दूसरी साइड भी जाना है। चलो ये प्लैंक को यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं कि दूसरी साइड क्या पड़ा है। अरे ये कार की तो हमारी नीचे गिर गई। कोई बात नहीं मसाओ, वो हम नीचे से जाके उठा लेंगे। यहाँ पे तो रेंच पड़ा है, रेंच तो किसी काम का नहीं है। ओ नो, गेट बंद हो गया। ये तो ऐसे खुल जाएगा बुचैन। दोस्तों चलो यहाँ से भी जल्दी से निकलते हैं, उस ग्रैनी का कुछ नहीं पता कि वो कब आ जाए। अब अगर वो बुढ़िया आई तो मैं इसे बहुत गंदा मारूंगा। हाँ शिनचैन तुमने बिल्कुल सही बोला। हमें कार की मिली है, इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कार की डिग्गी में क्या है। यहाँ पे तो वाटरमेलन पड़ा है, चलो इसका भी यूज अच्छा हो जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। तो चलो जल्दी से वाटरमेलन को कट करते हैं। इसमें मुझे चॉकलेट चिप्स तो मिल ही जानी चाहिए।
अबे ओए ग्रैनी चोको चिप्स क्यों रखेगी? कजामा इसको जल्दी काटो। ये काटा। दोस्तों इसमें तो स्पार्क प्लग है जो कि हमारे किसी काम का नहीं। ई हमें को डंका क्यों नहीं मिल रहा? मेरी मिसाल तुम्हारी बद्दुआ लग चुकी है हमें। शिनचैन मेरी बद्दुआ क्यों? अरे दोस्तों यहाँ पे मैं बुक तो मिल गई लेकिन ये सीक्रेट रूम में आखिर है क्या? यहाँ पे तो टेडी बियर के अलावा कुछ भी नहीं है। कजामा वो टेडी बियर उठा लो ना, मैं हिमावरी को दे दूंगा। नहीं नहीं शिनचैन, हमें वो टेडी बियर नहीं चाहिए, उसमें ग्रैनी ने काला जादू किया होगा। बिल्कुल सही बोला कजामा ने, हम दुकान से नया टेडी बियर खरीद लेंगे। ये कौन है? अरे नानी ये ग्रैनी की मम्मी है और उसने इसको यहाँ पे बांध रखा है। वैसे ये ना हमें अभी स्पाइडर की देगी। ओ तो स्पाइडर की से हम लोग नीचे जा पाएंगे जहाँ पे ग्रैनी की वो खतरनाक मकड़ी रहती है। हाँ बोचन, लेकिन उस मकड़ी से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मुझे तो इस मकड़ी से बहुत ज्यादा डर लगता है, पिछली बार तो मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। मिसाल मुझे भी पिछली बार किडनी का अटैक आने वाला था। अबे ओए किडनी अटैक जैसा कुछ नहीं होता। होता ही कजामा, मुझे पिछली बार आने ही वाला था। अच्छा ठीक है तुझे आता होगा लेकिन और किसी को नहीं आता। ये पता नहीं क्या इंसान है क्या क्या है ये। तेरी अम्मी इतना भी कुछ खास नहीं कजामा। मैं तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों ये देखो बाहर आ गई। तो ये तो ऐसे चल रही है, लगता है ये जिंदा है। नहीं नैनी अब ये मरने वाली है। ओम बट स्वाहा, मसाओ के काले जादू से तू मर जा और हम इधर स्पाइडर की बूम। ओह नो मसाओ, तुम्हें तो सच में काला जादू आता है। अबे नानी इसको कोई काला जादू नहीं आता, वो तो इसको पता था कि यही जगह पे आके ये अपना दम तोड़ देगी। ओह मुझे बुद्धू बनाते हो, मसाओ तुम घर चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे नहीं नानी मैं तो मजाक कर रहा था, सॉरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। दोस्तों हम लोग नीचे तो आ गए, अब उस स्पाइडर से बच के हमें सारा काम करना पड़ेगा। बोचे तुम लोग टेंशन मत लो, ये स्पाइडर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चलो चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं आगे, इस स्पाइडर का कुछ नहीं पता कि कहाँ से आ जाए। ओके आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। ओह नो ये तो आ गई। मम्मी भागो, वो तो हमारे पीछे आ रही है। भागो भागो मसाओ। मैं तो बोलता हूँ मसाओ को उसको खाने में दे दो। शिनचैन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अरे हम लोग बच गए, टेंशन मत लो, जल्दी से इसको खोलो और देखो इसमें क्या है। ओ इसमें तो मास्टर की है, ये भी गेट पे लगेगी। चलो दोस्तों अभी मास्टर की लेकर जहाँ से जल्दी से निकलते हैं। दोस्तों मुझे इस मकड़ी के आगे दोबारा नहीं जाना वरना मैं उसका खाना बन जाऊंगा। नहीं बनोगे मसाओ, हम फाइनली बाहर आ चुके हैं, ये देखो। मेरी तो दिल को बहुत ही ज्यादा ठंडक मिली जब जब हम बाहर आते हैं, और फिर मुझे बहुत आराम आता है क्योंकि वो मकड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरी दोस्त मास्टर की का यूज करने के लिए तो हमें कटिंग प्लायर चाहिए। मैं तो देती हूँ कटिंग प्लायर। अरे अरे ग्रैनी आ गई, भागो भागो। कहाँ भाग रहे हो बड़बक बच्चा तुम्हारी, ऐसे कि तैसे रोको वहीं पे। ग्रैनी तुम भूल जाओ, तुम हमें जिंदगी में कभी नहीं पकड़ पाओगी। ओके दोस्तों अब हमें कटिंग प्लायर्स ढूंढने हैं, तो चलते हैं नीचे। आखिर ये कटिंग प्लायर्स है कहाँ पे? मुझे भी नहीं पता नैनी। अरे वहाँ पे जो दो बॉक्स होते हैं ना, वहाँ पे हमें कुछ मिल सकता है। कजामा लेकिन वहाँ तो दो बॉक्स होते हैं, एक में बॉम्ब होता है और एक में हमारा सामान होता है, हमें कैसे पता लगेगा कि किसमें हमारा सामान है? शिनचैन मुझे पता है, एक नंबर बॉक्स में हमारा सामान होगा। अरे बोचे तुम्हें कैसे पता? जब हम ऊपर रेंच लेने गए थे तो मैंने वहाँ पे कोड देखा था जिसमें एक नंबर लिखा था। ई बोचन तुम तो एक नंबर हो, तुमने हमारी मिस्ट्री इतनी इजीली सॉल्व कर दी, ये देखो। अरे वाह मैं तो अकड़ बकड़ बबे बो करने वाला था। हाँ और फिर उसके बाद शिनचैन बॉम्ब वाला बॉक्स खोल के हम सबको उड़वा देता। ये शिनचैन के बातों में मत आया करो, ये तो एक दिन हम सबको मरवा ही देगा। दोस्तों सेफ्टी मिल चुकी है, जल्दी चलते हैं और इसका यूज करके वहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिलता है। काश हमें उसमें कटिंग प्लायर्स मिल जाए ताकि हम जल्दी से यहाँ से भाग सके। यहाँ पे तो कटिंग प्लायर्स ही है कजामा। ये फाइनली हम लोग डोर से भाग सकते हैं। चलो नैनी जल्दी इसको तोड़ो और अब चलते हैं ऊपर। ऊपर उसको जल्दी से कट करो और मास्टर की का यूज करो। अरे नहीं ये प्लैंक तो पूरा टूटा ही नहीं, हमें हैमर से इस प्लैंक को दोबारा से तोड़ना पड़ेगा। शिनचैन तो चलो जल्दी हैमर लेके आते हैं और इस प्लैंक को तोड़ते हैं। जल्दी करो बस अभी हम यहाँ से निकल ही जाएंगे। और ये मैं तोड़ता हूँ अभी प्लैंक को, ये टूटा। अरे मैं लगाऊंगा मास्टर की को। बच्चों मत भागो, टॉफी दूंगी टॉफी। नहीं ग्रैनी तुम ही खा लो अपनी टॉफी, हम तो चले। बाय बाय। अरे मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, ये लोग तो मेरे डोर